तो हेलो गाइस, स्टार्ट करते हैं अपन बिट प्ले की रिवीजन के साथ। रिवीजन कर रहे हैं अभी। रिवीजन का यार वही सब रहता है जो स्टार्टिंग से चलता आ रहा है कि अपन यहाँ से हम लोग आते हैं किधर है। हाँ, ये रहा। क्वेश्चन रीड करते हैं, नोट्स बनाते हैं, उसके नोट्स देखते हैं जो लिखे हुए हैं। नहीं लिखे तो कोई दिक्कत नहीं है, क्विक रीड करते हैं और टेस्ट केस पर एक ट्राई रन करके चेक कर लेते हैं। ठीक है, सो इस सबको हटा देते हैं। ये सब मैंने समझाने के लिए आपको बनाया था। एंड कर देते हैं यार, बस जल्दी से ना शुरुआत बिना देरी के, ताकि ना आपका टाइम वेस्ट हो। सो अपने को बतानी थी कि नंबर ऑफ वन बिट्स कितनी है। सो मतलब वन बिट्स बेसिकली सेट बिट्स को बोला जाता है। एंड सिंपल सा क्वेश्चन था, 32 बिट्स का नंबर होता है और बस यही यही था, और कुछ ज़्यादा करना नहीं था इसके अंदर। और बस इसके अंदर एक बेसिक सी छोटी सी बात बताने के लिए हम कोई क्वेश्चन गिवन था कि हम हर बार लास्ट बिट का अगर एंड ऑपरेटर वन के साथ करते हैं तो वो हमें वही चीज़ देता है जो वहां पर थी। यानी कि 0 है तो 0 देगा, 1 है तो 1 देगा, यही तो देगा यहाँ पर। और अगर 1 है तो अपने को काउंट को एक बढ़ा देना है, यही तो अपने को सेट बिट्स तो जब भी पता चलेंगे। और उसको अगर मैं राइट शिफ्ट कर दूंगा, यानी कि तो ये एक यूनिट राइट शिफ्ट हो जाएगा, यानी कि 1 1 1 0 1 1 की बात करूँ तो 1 0 1 बन जाएगा राइट शिफ्ट करने से। ठीक है, और उसका काउंट रिटर्न कर देंगे। तो इतना सिंपल सा ही था ये, इससे ज़्यादा कुछ था नहीं इसके अंदर। एंड बस आगे चलते हैं जल्दी से, और क्वेश्चंस काफ़ी अच्छे अच्छे थे। रिवर्स बिट्स एक अच्छा क्वेश्चन था एक्चुअली। अपने को क्या करना था, 3 है तो उसको रिवर्स करो तो उससे क्या बनेगा। और 32 बिट्स का एक नंबर होता है, पता ही है सबको। लाइक 1 3 को हम कैसे एक्सप्रेस करेंगे 1 1 में, बट एक्चुअली 32 बिट्स को कैसे करेंगे 1 1 1 1 1 अप टू मतलब 30 टाइम्स। मतलब ऐसे करते करते 30 30 टाइम्स ये आ जाएगा एंड इज 1 1 ये आ जाएगा। तो अपने को क्या करना था, इसको रिवर्स करके 1 1 एंड 0 0 0 अप टू 30 टाइम्स 0 आनी चाहिए थी, और ये करना था एक्चुअली। सो इसको कैसे करते, हर बार लास्ट बिट निकालते और जस्ट मतलब एक अप्रोच क्या हो सकती है, अगर आप सोचो, आप अपने दिमाग में लगाओ, तो एक अप्रोच क्या हो सकती है कि आप लास्ट बिट लो और मतलब जब तक एन निकालो और उसको राइट शिफ्ट करते जाओ हर बार। और हाँ, बस राइट शिफ्ट करते जाओ हर बार उसको, और उसके बाद 32 जीरोस डाल दो, या मतलब जितनी जीरोस बची हैं उतनी जीरोस डाल दो। तो बट हमने कुछ ऐसा किया था यहाँ पर, हमने बी को 0 रखा था और हर बार बी को 1 यूनिट राइट शिफ्ट कर दिया था। ठीक है, तो 0 को 1 यूनिट राइट शिफ्ट करेंगे कुछ नहीं होगा, बट हर बार मैं उसका और लेता एंड इसको 1 यूनिट लेफ्ट राइट शिफ्ट कर देता और इसको 1 यूनिट लेफ्ट शिफ्ट कर देता। ठीक है, वो एक अप्रोच हो सकती थी जो पहले बताई, वो उसके लिए एक वेक्टर यूज करना पड़ता, मतलब और चीज़ें यूज करनी पड़ती, बट ये एक आसान सी चीज़ थी, कोई बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं थी कि हमने एक बी स्टार्टिंग में 0 असाइन कर दिया। बी स्टार्टिंग में 0 असाइन कर दिया और हर बार उसको लेफ्ट शिफ्ट कर रहे हैं बाय 1 यूनिट। एंड अब ए एंड 1 को अपन ऐड कर रहे हैं, ऐड मतलब और मतलब बेसिकली ऐड कर रहे हैं अपन उसको, कि जो भी वैल्यू है 1 है तो 1 ऐड हो जाए अपने उसमें, 0 है तो 0 तो ऐड हो ही जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। 0 तो है ही, और ऐड हो जाए तो भी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, और हर बार अपन इसको 1 यूनिट राइट शिफ्ट कर देंगे, लेफ्ट शिफ्ट कर देंगे। एंड ये कब काम अपन कब तक करेंगे, जब तक 32 होगा, क्योंकि अपने को 32 बिट का तो चाहिए ही चाहिए। 32 टाइम्स तो 1 को राइट शिफ्ट करना ही पड़ेगा अपने को, मतलब बी को 1 को नहीं, 32 टाइम्स अपने को शिफ्ट करना ही पड़ेगा बी को, तभी अपने को एक 32 बिट का नंबर मिलेगा। और हर बार ए एंड 1 निकाल के एंड ए को 1 यूनिट राइट शिफ्ट तो करना ही पड़ेगा आप लोगों को। ठीक है, सो ठीक है आई गेस, कोई बहुत ज़्यादा मतलब मुश्किल चीज़ नहीं थी, बस थोड़ा सा मतलब अवेयरनेस की ज़रूरत थी इस क्वेश्चन में, और कुछ नहीं था कि आपको ऑर्डर ऑफ एन से ऑर्डर ऑफ वन में कैसे लाना है, तो ये चीज़ थी। और लिखना चाहो तो ज़रा लिख सकते हो कि ए एंड 1 अपने को क्या देता है। ए राइट शिफ्ट 1 करता है, बी लेफ्ट शिफ्ट 1 होता है एक चीज़, एंड और क्या बोल सकते हो, और क्या चीज़ देखिए, ए और इक्वल टू 1, मतलब ए और समथिंग 1। ठीक है, तो ये चीज़ें होती है, तो ये किस लिए होती है, अपन ने एक्सट्रैक्ट करी लास्ट बिट। ठीक है, लास्ट बिट एक्सट्रैक्ट करी, ए को अगर मैं राइट शिफ्ट करूंगा बाय 1 यूनिट सो वो डिवाइड हो जाएगा बाय 2। ठीक है, सो डिवाइड बाय 2, ठीक है ना, समझ गया होगा यस क्यों हो रहा है डिवाइड बाय 2। लाइक 101 है तो अगर मैं इसको 1 0 1 0 0 मान लो, ठीक है, तो उसको अगर मैं राइट शिफ्ट करूंगा बाय 1 यूनिट तो 10 बन जाएगा, तो 4 का 2 हो गया ना, डिवाइड हो गया। और सिमिलरली ये मल्टीप्लाई बाय 2 हो जाएगा, मल्टीप्लाई बाय 2। एंड ए और 1 तो अपने को क्या देगा, जस्ट सेम डिजिट को ऐड कर देगा, सेम डिजिट को ऐड कर देगा अपने उसमें नंबर में,
एंड यही चीजें होती हैं यार, बेसिक बेसिक चीजें होती हैं, और यही आगे आगे तक अच्छे अच्छे क्वेश्चंस को, बेसिक चीजें अगर बताओ तो आगे क्वेश्चन में इंप्लीमेंट होती जाती है, बस यही बात करते हैं और ज्यादा नहीं बोलते इसके ऊपर। डिवाइड एंड टीचर बहुत अच्छा क्वेश्चन था यार, इसमें एक बहुत ही मतलब लाइफ चेंजिंग चीज मेरे को पता चली है इसमें तो यार। मतलब ठीक है, बहुत सही चीज थी, बस अपने को यार मल्टीप्लिकेशन डिवीजन और मॉड ऑपरेटर यूज नहीं करना था यहाँ पर, एंड फ्लोर रिटर्न कराना था, ये सब मैं बात कर चुका हूँ। एंड जो मोटी मोटी चीज अपने को यहाँ करनी थी वो मैंने शायद यहाँ पर एक्सप्लेन करी थी, मैं दिखा सकता हूँ कहाँ पे गई, शायद मैंने हटा दिया, हाँ हटा दी, एक्चुअली मैंने लिखी थी यहाँ पर, ठीक है तो कोई नहीं, बट मैं ऐसे बता दूंगा कि हम लोगों ने क्या कर रहा था। हम लोगों ने हर बार एक चीज अपन यूं कर सकते थे कि जैसे या तो 5 डिवाइडेड बाय 2 था जैसे अपने को मान लो करना है, सो हम क्या करेंगे हर बार एक टेम्पररी वेरिएबल बना लेंगे, और क्या करेंगे 5 को मैं कैसे एक्सप्रेस कर सकता हूँ, मैंने ये देखा, मेरे को जो बात समझ में आई, पावर ऑफ 2.2 में एक्सप्रेस कर सकता हूँ, नहीं सॉरी 5 इंटू 5 का मल्टीपल चाहिए ना, तो 5 इंटू 2 10 हो जाएगा, 2 की पावर 0 में एक्सप्रेस कर सकता हूँ, 5 इंटू सॉरी 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 2 और 5 की पावर 0, और 2 की पावर में एक्सप्रेस करते हैं ना बिट को, सॉरी ब्रदर्स, बट 2 की पावर में करते हैं अपन, ये अपना बी है इसलिए शायद कंफ्यूजन हो रही है, 3 मान लो इसको, तो 3 इंटू पावर ऑफ 2.0 करना पड़ेगा अपने को, एंड +2 करना पड़ेगा। सो एक्चुअली कितनी बार डिवाइड करा मैंने इसको, 1 बार, तो अपने को 1 रिटर्न कराना था बेसिकली, यही तो होता है ना डिवीजन में, 5 बाय 3 1 ही होगा। सो इस ये अब ये चीज कैसे दिमाग में है, ये चीज ऐसे दिमाग में है क्योंकि हम 2 से डील करते हैं हर बार, और 2 से डील करते हैं तो अपन क्या कर सकते हैं एक्चुअली, जो हम 1 को लेफ्ट शिफ्ट बाय 1 यूनिट करते हैं वो एक्चुअली क्या होता है, सॉरी आई को 1 यूनिट अगर शिफ्ट करते हैं हम, आई को अगर मैं 1 यूनिट लेफ्ट शिफ्ट करता हूँ तो इसका मतलब क्या है कि 2 की पावर i से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ मैं, बट एक चीज जो हमें नहीं दिखती वो यही बात होती है, मैंने पिछली बार मेन वीडियो में भी यही बात करी थी, उसमें मैंने ज्यादा अच्छे समझाया था, बट यहाँ पे मैं थोड़ा जल्दी जल्दी बता रहा हूँ क्योंकि रिविजन वीडियो है। और अगर मैं 3 को अगर मैं राइट शिफ्ट करूंगा तो वो क्या हो जाएगा, अगर मैं 3 को शिफ्ट कर दूंगा तो क्या होगा एक्चुअली, हाँ सो अच्छा सॉरी एक चीज मैंने यहाँ पे कर दिया, 1 को मतलब अगर i यूनिट शिफ्ट करेंगे ना, ये तो मतलब समझ गए होगे यार, मैं मतलब मोटी बात समझ गए होगे, 1 को अगर मैं i यूनिट शिफ्ट करूंगा तो वो 1 इंटू 2 की पावर i हो जाएगा, ठीक है। मैं यहाँ पे जो बताने की कोशिश कर रहा हूँ वो ये है कि अगर मैं k को अगर मैं i यूनिट्स लेफ्ट शिफ्ट कर दूंगा तो वो क्या हो जाएगा, k into 2 की पावर i हो जाएगा बेसिकली, समझ रहे हो, तो यहां से ये बात समझ में आएगी अपने को हमेशा क्या करना है, 3 को शिफ्ट करना है लेफ्ट में, सच दैट कि ये इससे छोटी वैल्यू दे हमेशा, मतलब बड़ी वैल्यू ना दे, छोटी वैल्यू दे, छोटी या बराबर दे दे कोई दिक्कत नहीं है, बट बड़ी ना दे कभी भी। एंड मैं 0 कैसे एक्सट्रैक्ट करूंगा, 0 एक्सट्रैक्ट करना तो फिर आसान ही हो गया ना, कि अगर मैं k को i यूनिट शिफ्ट कर रहा हूं तो मेरे पास i तो होगा ही, तो मैं 1 को i यूनिट शिफ्ट कर दूंगा तो मेरे को ये वाली वैल्यू मिल जाएगी, ये तो बेसिक सी बात है, ठीक है। पावर ऑफ 2 की पावर कुछ भी लेना है तो 1 को मैं i यूनिट शिफ्ट कर दूंगा तो यही तो पता है, 2 की पावर 1 इंटू 2 की पावर i तो बना, तो यही काम हमने यहाँ पे किया था। तो ये थी जो मेन बात थी, मतलब मोटी मोटी जो अपने को फ्रेम तैयार करना था वो यही था कि अपने को 32 से चलेंगे, टेम्प प्लस बी आई कर देंगे और टेम्प को हर बार ऐड करते जाएंगे, एंड एक अपने को इंट मैक्स को हैंडल करना था कि इंट मैक्स अगर ओवरफ्लो होता तो इंट मैक्स रिटर्न करो, और अपने को एक साइन को हैंडल करना था, ये भी आई गेस मोस्टली लोगों ने कर लिया होगा, आसान ही था, बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं था कि कोई भी एक नेगेटिव है तो साइन नेगेटिव आएगा इन दी एंड, ठीक है। एंड ये भी आसान ही था कि अगर आंसर इंट मैक्स या इंट रेंज से बाहर जा रहा है तो उसको कर दो, बट जो एक चीज जो मुश्किल थी वो यही थी यार कि अपने को जो भी अपन यहाँ पर डील कर रहे हैं ना आंसर के साथ उसको लॉन्ग लॉन्ग रखो, अगर इसको लॉन्ग लॉन्ग रख लोगे ना सही हो जाएगा यार सब काम, वो एरर्स से बच जाएगा, एरर्स काफी सारे आ जाते हैं कि मतलब आंसर वो इंटीजर में, तो यहां पर अगर प्रोसेस होगा तो इंटीजर में होगा बट वो बाद में जब इसमें जाएगा वो तो लॉन्ग लॉन्ग में जाएगा, तो वो इस केस में आंसर गलत दे सकता है, ठीक है, प्रोसेस होते टाइम ये आंसर गलत दे सकता है कि रेंज से बाहर चला गया, आंसर कुछ गार्बेज दे दिया या कुछ रैंडम दे दिया, तो उसको प्रिवेंट करने के लिए अपना एलएल लगा दिया करो। एंड सेम मिस्टेक नेक्स्ट क्वेश्चन में भी की थी बट अब वो याद रहेगी, आई गेस याद रहनी चाहिए, सो ये चीज जरूर याद रखना कि अगर लॉन्ग लॉन्ग के साथ प्रोसेस कर रहे हो तो जो सारी वैल्यूज जिनको आप बना रहे हो उनको लॉन्ग लॉन्ग ही रखना ताकि कहीं भी कोई एरर ना आए, और जनरली इंटरव्यूज में इंटरव्यू कोडिंग टेस्ट में वो ऐसे क्वेश्चन दे सकते हैं,
डिफरेंट बिट्स सम पेयर वाइज, इसमें भी सेम गलती करी थी, बट मेन बात अभी हम यहाँ पे करते हैं कि इसमें काम क्या करना था। ओके सो ये रहा कोड, इसका मतलब कोड गया, अरे ये वो भी मिल गया, हाँ ये रहा जो हमने पिछला क्वेश्चन अभी किया कि 43 के 8 का एग्जाम्पल मैंने उसमें एक्सप्लेन किया था ढंग से, उसमें देख सकते हो। बट अभी बात करते हैं इसकी, 135 जैसे मान लो है, अपने को बताना है कि हम इसमें से कितने पेयर हैं जो जनरेट कर सकते हैं जो डिफरेंट बिट्स के होंगे, लाइक 10 के होंगे या 01 के होंगे। तो एक अप्रोच तो वही हो सकती है ऑर्डर ऑफ एन स्क्वायर वाली, 1 को 3 के साथ कंपेयर करो, 1 को 5 के साथ कंपेयर करो, और हर एक का बिट निकाल लो जो 32 होगा, 32 × n² मोटा मोटा एन स्क्वायर ये बन जाएगा। तो अपने का एन स्क्वायर में तो नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ था मॉड्यूलो लो 10^9+7 से, तो मतलब 10^9+7 से बड़ा नंबर होगा, और एन स्क्वायर में ये क्वेश्चन जनरली नहीं होते, तो इसलिए समझ में आ गया कि ऑर्डर ऑफ एन में करना है। और ये एक्चुअली काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है, क्योंकि जनरली हमें ऐसे ही प्रोसेस करना होता है बिट्स को, कि अपन एक बिट्स पे प्रोसेस कर दें 32 टाइम्स, 32 × n बना दें अपन अपने कोड को, ऐसा करना पड़ता है जनरली काफी क्वेश्चन में जो इंटरव्यू में पूछे जाते हैं बिट मैनिपुलेशन से, ऑल दो कम पूछे जाते हैं कोडिंग टेस्ट में, बट अगर कोई पूछा जाएगा तो वो ऐसा ही पूछा जाएगा आपसे, ताकि कॉम्प्लेक्सिटी कम हो। तो बिना टाइम वेस्ट करें इसकी बात करते हैं अभी, कोडिंग और इंटरव्यूज की बात या उसकी बात बाद में करेंगे टेस्ट की, अभी इस पर बात करते हैं। तो यहाँ पर 111 कोई डिफरेंस नहीं है, 010 दो अपने पास एक सेट बिट है, और अनसेट बिट्स तो हम निकाल ही सकते हैं, 3 में से जितनी सेट बिट्स हैं उसको घटा के और इनटू दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, वो एक्चुअली इनके पैर बन जाएंगे, 0110 बन गए ना पैर इन मल्टीप्लाई करते ही, तो यही करना था बस, मल्टीप्लाई करना था इनको, एंड सेम काम यहाँ पर होगा 2 × 2, एंड और इनके इंटू टू क्यों होगा वो देख लो यार, वो एक्चुअली क्वेश्चन ने ही थोड़ा सा अपना सीन क्रिएट कर रखा है कि 1 3 है तो 3 1 को भी एक काउंट करोगे एक्स्ट्रा, ठीक है। तो यही काम कर रहा था यहाँ पर, 30 हर बिट, हर एक का लास्ट बिट से मतलब काउंट निकाल लिया कितना है, ठीक है, हर नंबर का हर एलिमेंट का निकाल लिया यहाँ पर, काउंट प्लस प्लस सेट बिट्स निकाल ली सबकी, एंड सबको एक एक यूनिट राइट शिफ्ट कर दिया, क्योंकि अब उस बिट की जरूरत ही नहीं अपने को। और फिर क्या कर दिया, काउंट, और ये सेट बिट्स का काउंट, ये अनसेट बिट्स का काउंट, और इंटू टू करा था, बट वो बहुत सारे मतलब कई केसेस पे गलत आ रहा था, तो समझ में आया कि जैसे जो गलती पिछले में की वो यहाँ पर भी कर रहे हैं, सो इसलिए इसको 2LL कर दिया, एंड फिर आंसर सही आ रहा था। तो ये काम सही करना है यार, एंड एन को भी मेरे हिसाब से तो लॉन्ग लॉन्ग, हाँ एन में आ रहा था एक्चुअली, एन में आ रहा था, एन में आ रहा था मेन एरर, तो क्योंकि एन यहाँ पर हम लॉन्ग लॉन्ग को अपन इंटीजर से सबट्रैक्ट कर रहे हैं ना, तो क्या पता रेंज कहीं बाहर चली गई हो, तो सेम काम यहाँ पर हो रहा था, फिर इसको लॉन्ग लॉन्ग किया एंड देन सही आ रहा था। तो ये सब सीन क्रिएट हुआ था इसमें, एंड एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ये मतलब सब क्वेश्चन करने के बाद भी ऐसी गलतियां होंगी, बट अच्छी गलती थी, इम्पोर्टेंट मिस्टेक थी, एंड देखना यार आप भी सही से करना है इसको, एंड इसी के साथ रिविजन खत्म होता है इसका, एंड बस यही था यार। और सब्सक्राइब कर देना लिंक्डइन और इंस्टाग्राम के लिंक से, उन पे फॉलो कर लिया करो यार मुझे, एंड सब्सक्राइब कर दो यार जरूर से, अपन जैसे ही 1000 आएगा, अपन 1000 सब्सक्राइबर कंप्लीट होंगे, अपन एक बहुत अच्छी चीज़ लाएंगे आपके लिए, एंड देखते हैं। ओके थैंक्स।